मैं हूं अभी दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेलगाम में विंटर सेशन की हुई शुरुआत, अपोजिशन भी है सरकार को घेरने के लिए तैयार। बेलगाम में 12वें शीतकालीन विंटर सेशन की हुई शुरुआत, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा सेशन, जिसमें पहली दफा ऑपोजिशन लीडर के साथ चलने वाले इस सेशन में बीजेपी जेडीएस दोस्ती का भी असर नजर आएगा। इस सत्र में जहां सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है ऑपोजिशन, तो सरकार के आगे भी कई चुनौतियां होंगी इस सेशन के दौरान। जहां सूखे से जूझ रहे किसानों को परिहार गारंटी योजनाओं पर भी उठेंगे सवाल, खासकर उत्तर कर्नाटक के मसलों और विकास को लेकर क्या तोहफा देगी सरकार। ऐसे ही नोक झोंक और तीखे सवाल और जवाब देखने को मिलेंगे सेशन में सरकार और अपोजिशन के दरमियान। अपने मनपसंद लोगों को अपोजिशन लीडर और अध्यक्ष बनाया जाता है, एमएलए अतनाल का गंभीर आरोप। मैं बीजेपी राज्य अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर बनने के काबिल हूं। मैं बीएलपी की मीटिंग में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक राज्य अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन को बदला नहीं जाता। मेरे पास है बीजेपी का राज्य अध्यक्ष बनने की पूरी काबिलियत। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, मैंने कोई सरकारी जमीन नहीं लूटी। इसका मतलब जिनको ये पोस्ट मिला है उन्होंने ये काम किया है, बिना कहे ही सब कुछ कह गए खुद की पार्टी के नेताओं के खिलाफ। एमएलए यतनाल अब बेलगाम के स्वर्ण सौदा में। प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए केपीएमई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। राज्य में नकली डॉक्टरों की तादाद बढ़ गई है, जिसको लेकर हेल्थ विभाग अलर्ट हो गया है। इन नकली डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों पर लगाम लगाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को केपीएमई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना फिक्स। हर कोई डॉक्टर बनकर इलाज करेगा तो असली डॉक्टरों के पास कौन जाएगा? जो असली होगा वही केपीएमई रजिस्ट्रेशन करेगा, जिससे नकली डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का पता चलेगा कि सोच से ये आदेश जारी किया है हेल्थ विभाग ने। गधी के दूध की क्यों है इतनी डिमांड? पहले के बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को गधी का दूध बड़े चाव से पिलाते थे। गधी का दूध माँ के सीने के दूध जितना ही ताकतवर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होने के साथ साथ इन्फेक्शन से लड़ने और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होता है, जिसके दूध की कीमत एक आम गाय के दूध की कीमत से ज़्यादा होती है। जो 100 मिलीमीटर गधी का दूध 1000 रुपये लीटर पर बिकता है शहरों में, जिससे बढ़ते बच्चों, दिल की बीमारियों, खासकर स्किन की शिकायत, सीने का दर्द, सर की शिकायत के अलावा खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी ये गधी का दूध काफ़ी असरदार होने का सच इस पर हुए रिसर्च और बढ़ती डिमांड से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। प्यार की शादी, दहेज की परेशानी, जिंदगी से विदाई। सिर्फ 2 महीने पहले ही प्यार के बाद शादी करके घर बसाने से पहले ही घर उजड़ गया। घर क्या, दुनिया को ही छोड़ दिया नई दुल्हन अनुषा ने। मंडिया में प्रवीण नामी लड़के से प्यार करके शादी के 2 महीने बाद ही, सूत्रों के मुताबिक दहेज के लिए परेशान करने के बाद तंग आकर खुद ही दुनिया को अलविदा करने के मामले में लड़की के घर वालों ने मंडिया जिला मड़वल तालुका के रहने वाले प्रवीण के घर वालों पर बेटी के मौत के बाद केस दर्ज करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं लड़की के मां बाप, जिसको लेकर महादेवपुर पुलिस थाना पुलिस जांच में जुटी गुनहगारों को पकड़ने के लिए।
दूध की डायरी में 7 लाख की चोरी। मामला चामराजनगर के संते मरली सर्कल पर रहे नंदनी मिल्क डायरी में हुआ, जहां रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़कर कैश काउंटर में दूध बेचकर रखे पूरे 7 लाख रुपयों को चुराने का नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। कैमरा होने के बाद भी बड़े इत्मीनान और आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। बेलगाम की सड़कों पर MES का हंगामा। कर्नाटका महाराष्ट्र सरहदी विवाद के चलते माहौल हमेशा तनाव से भरा होता है। यहां पर सरकार की तरफ से पाबंदी और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बाद भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति और शिवसेना के कारकुनों की गुंडागर्दी और राज्य विरोधी नारों के साथ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हर बार हंगामा करने की बात आम है इस इलाके में। अब जबकि शीतकालीन सत्र चल रहा है बेलगाम में, इसी दौरान MES ने महामेला करने जा रही थी, जिसकी इजाजत न देने से सरकार के खिलाफ आज रैली की शक्ल में सरहद पार करने की कोशिश की, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। दोनों राज्यों के बीच रही इस सरहद पर बेरोजगार ने निकाला KPSC बोर्ड के सामने अपना गुस्सा। बेंगलुरु के कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड के सामने पिछले 2 साल पहले हुए एग्जाम के रिजल्ट की लिस्ट अब तक जारी ना करने के चलते प्रोविजन और फाइनल लिस्ट ग्रुप ABC में मुख्तलिफ पोस्टिंग के लिए एग्जाम चलाए गए थे। अब तक रिजल्ट जारी ना करने से नाराज बेरोजगार उम्मीदवार कांत कुमार ने बोर्ड को लिखे अपने सैकड़ों लेटर और एप्लीकेशन को थैले में भर भर के लाकर KPSC बोर्ड के सामने फेंक कर अपना गुस्सा निकालने लगा, तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सड़कों पर वकीलों की हड़ताल। पिछले दिनों चिकमंगलुरु पुलिस स्टेशन में वकील प्रीतम पर पुलिस के हमले का मामला। बेलगाम में अचानक सड़कों पर उतर के हड़ताल करते हुए वकीलों ने बेलगाम सेशन को आने वाले मंत्री MLA और अधिकारियों के आने जाने का रास्ता ही बंद करके अदालत की कार्रवाई का बायकॉट करते हुए पुलिस के खिलाफ सड़कों पर इंसाफ के लिए लड़ते नजर आए। ये कानून के जानकार शहर के चन्ना सर्कल में इंसानी जंजीर बनाकर आक्रोश व्यक्त करने से टेंशन का माहौल बना दिया। मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस के लिए वकीलों ने सेशन के दौरान और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।